हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज सप्रे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रियांश के न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड यानी कि हेली शहन राहुल सुधीर का अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, यश में मजा सीजन 3 में क्या वो लोग आने वाले हैं, क्या यश में मजा सीजन 3 अभी आ रहा है और रियांश का न्यू प्रोजेक्ट अभी क्या चल रहा है और क्या आने वाला है, क्या हो सकता है एंड म्यूजिक एल्बम की कुछ अपडेट्स देने वाली हूँ। सो या इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, हमारे रियांश की अगर बात की जाए अपडेट्स क्या अकॉर्डिंगली रियांश की न्यू प्रोजेक्ट हेलीशा की अभी चल रही है, फिल्म सिटी उन्होंने कर लिया शायद, पता नहीं, बट हेलीशा भी अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स मतलब पूरे करेगी, उसके बाद वो हमारे म्यूजिक एल्बम पर ध्यान देगी। उसके बाद राहुल सुधीर एंड हेलीशा अगर रियांश अभी के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता दूँ तो राहुल सुधीर का अपडेट्स के अकॉर्डिंगली बोल रही है। अपडेट में आया है कि हमारे राहुल सुधीर एक वेब सीरीज़ की बात कर रहे हैं, हमारे राहुल सुधीर का एक वेब सीरीज़ ऑफर की गई है एंड हमारे राहुल सुधीर उस वेब सीरीज़ का सारा का सारा चीज़ जो है डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि बातें जो होती है तो सब जो है हो रही है, फाइनल नहीं हुए एंड एक्सेप्ट भी उन्होंने, मतलब वो बातचीत चल रही है कि क्या करना होगा, ये कर सब कुछ चल रहा है, फिर वो जो एक्सेप्ट कर जो भी करते हैं तो जो मतलब हमारे रियांश में से राहुल सुधीर का वही न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है एंड जो हमारी हेलीशा अभी न्यूज़ आ रही है कि हमारी हेलीशा का एक शो आने वाला है, हेलीशा एक शो में नज़र आएगी लीड किरदार में। तो अब ये शो कहाँ का है, कौन से क्या ये सब पता नहीं, बस यही अपडेट आया था तो बता दूँ। रियांश म्यूज़िक एल्बम की शूटिंग की जो बात है वो शूटिंग की एक फिक्स डेट हो चुकी है, मतलब कि फिक्स मंथ हो चुका है कि कौन से मंथ होगा। मैंने जैसे कि आप लोगों का था नवंबर में, तो नवंबर में क्या सच में होगा या फिर कोई फिक्स टाइम अलग टाइम किया गया, तो बता दूँ फिक्स टाइम किया गया है, एक फिक्स डेट की गई है वो है नवंबर मंथ। नवंबर मंथ के कौन से डेट ये चीज़ जो है फाइनल नहीं हुई है, फाइनलाइज नहीं हुई है, बट हो चुकी है कि नवंबर में ही होगी शूटिंग एंड हेलीशा एंड एम के बी लाइव म्यूजिक वाले ने भी कह दिया है। सो ये न्यूज़ तो हम लोग कन्फर्म हो गए एंड बता दो इश्क में मैं जो हूँ सीजन 3 में रियांश नज़र आएंगे क्या। सो ये सारी चीज़ें भाई ममता माम के ऊपर डिपेंड करता है। रियांश की म्यूजिक एल्बम तो हमारे ऊपर नहीं है एंड जो भी हो एंड ऑल मतलब कि रियांश की वेब सीरीज़, रियांश का शो, रियांश का प्रोजेक्ट, सारे सारी चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होते हैं एंड जो हमारे जो राहुल सुधीर एक्सेप्ट करेंगे, राहुल सुधीर कहेंगे जो इश्क में मैं जो हूँ सीजन 3 को लाया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे मेकर्स एंड चैनल वालों के हाथ में सारी चीज़ें होते हैं। अगर इश्क में मैं जो हूँ सीजन 3 बस और बस 3 चीज़ों से ही आ सकता है, मैं जैसे कि पहले भी बता दिया था, एक तो आइकॉनिक अवार्ड जीतेगा, एक तो ममता मैम सोच के लाएगी तो अच्छी बात है, और एक थर्ड एक रास्ता जो न्यू अभी ही बना है तो वो है हमारे कलर्स चैनल वाले उन लोगों को ऑफर करेंगे। सो ये 3 रास्ते हैं हमारे रियांश की म्यूजिक एल्बम आने के लिए एंड बता दूँ रियांश की म्यूजिक एल्बम जल्द देखने को मिलेगी एंड नवंबर में शूटिंग स्टार्ट हो गया, मतलब कि उसके बाद तो एक और बता दूँ पारस कल नावक के साथ हेलीशा की म्यूजिक एल्बम की गई, म्यूजिक एल्बम के बाद जो है हमारे रियांश की म्यूजिक एल्बम देखने को मिलेगी। अब इसका रीज़न क्या है ये मैं अगले वीडियो पर बताऊँगी, क्योंकि एक वीडियो पर इतना सारा अपडेट हम लोग दे नहीं पाते हैं, तो अगले वीडियो पे मिलता है इस अपडेट के साथ। अगले वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पारस कल नावक के साथ जो म्यूज़िक एल्बम की थी तो वो म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ होगी पहले, उसके बाद हमारी रियांश की रिलीज़ होगी वरना नहीं होगी। अगर पारस कल नावक के साथ म्यूज़िक एल्बम की गई, म्यूज़िक एल्बम अगर हिट गई एंड अगर मतलब रिलीज़ हुई, सो रिलीज़ होने के बाद ही हमारे रियांश की म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ होगी, ये मैं आप लोगों को पक्का कन्फर्मली बता देती हूँ। इसका जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी अगले वीडियो पर। सो इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं, गाइस अगले वीडियो पर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।